अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ सऊदी अरेबिया में किस तरह मनाया जाता है 14 अगस्त। अभी शॉप पे तो अभी 3 घंटे हो चुके हैं सुबह टाइम से, अभी तक अभी जाने लगे हैं रूम पे। तो ये हमारा 14 अगस्त है, यहाँ पे बस काम ही काम करना होता है। तो ये नुमान साहब हैं, गाड़ी में टीवी वगैरह रख रहे हैं। हाँ नुमान, आज के वारे उस्ताद जी, आज के है मंगल? नहीं नहीं, ये कोरी आज वार है, पाकिस्तान दा 14 अगस्त है। 14 अगस्त जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। 14 अगस्त कोई पता नहीं लग रहा है सऊदी है 14 अगस्त है। पाकिस्तान है सऊदी है, किस तरह पाकिस्तानी मनाए दिन 14 अगस्त? सऊदी अरब पाकिस्तानी सहम है दिन, जिस दिन कोई त्यौहार होता ईद दा या 14 अगस्त दा। रूटीन आई ना, काम काम और बस काम हो रहा है। सिर्फ सिर्फ सऊदी अरब हो रहा, पाकिस्तान आम 14 अगस्त कोई मना रहा, कोई ईद मना रहे, कोई ईद नहीं, कोई 14 अगस्त नहीं, कोई मुहर्रम नहीं। सही गल है, काम करो तो पैसा कमाओ। सुनसान पड़ा है सऊदी का, धूप काफ़ी है, मौसम कब सही होगा, अगस्त चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। नुमान साहब के पास अपनी ब्रांडेड छतरी है। नुमान यार, इतना कोई झंडा नहीं मिलता पाकिस्तानी नहीं, 14 अगस्त है कि नहीं? बिजी लोग इत्थे, काम ते चले सारे अपने अपने काम ते। ये जी सऊदी अरेबिया के हालात हैं। वाह जी वाह वाह, सही है। 220 दी स्पीड ले वेंदा यार। राजी बैंक के यार, इसमें हमारा अकाउंट है, जिंदगी का पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट उस्ताद जी, दूसरा पहले तो पाकिस्तान ही ना, असलन साडा अकाउंट पाकिस्तान ही होना चाहिए सी। पाकिस्तान ये जी लाइफ है सऊदी की। खैर ना कोई ठोक गई है गड्डी तो मैं रूर आया खला, गिरामा कर दे गिरामा हो गया। ए जी साढ़े पाकिस्तानी बंदे मिठाइयाँ खा रहे हैं, बड़ी गर्मी है यार, छतरी का इस्तेमाल कर रहे हैं असं। हालचा साग ये यार, इस दरख्त तले बड़ी ठंड है, उंज बड़ी गर्मी है। क्या गड्डी खड़ ली गई, निशान है। नुमान बड़ा टाइट माहौल है इस जगह पर, घर के बाहर लगे हुआ दरख्त, बड़ा वी आई पी पर ठंड है यार। 2 मिनट स्टे किया फिर जाते हैं रूम पे। चलिए जी, अभी पहुंचे हैं तंदूर पे। ये तंदूर। अस्सलाम वालेकुम, 14 अगस्त मुबारक। आज 14 अगस्त है, इतनी ज़्यादा गर्मी, रोड पे कोई बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस गर्मी में हम यहाँ से रोज़ाना ये रूटीन होती है कि यहाँ से तंदूर से रोटी खुद लेकर आनी पड़ती है, तब खानी पड़ती है। ये होता है परदेश, और ये किस वजह से है, क्योंकि हमारे हुक्मरान इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मुल्क दिया कि हमें अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आना पड़ा सऊदी में। आज किस लिए हम जलील हो रहे हैं और ये हम 14 अगस्त मनाएं, शायद इसीलिए यहाँ पे कोई नहीं मनाता 14 अगस्त। यही हुक्मरान अगर हमें अच्छा एक मुल्क देते तो हम यहाँ पे धक्के तो ना खाते, लेकिन उन्हें क्या, वो कौन से यहाँ पे गुजार रहे हैं जिंदगी। उसकिन भाई 14 अगस्त, 14 अगस्त है आज़ादी, अच्छी आज़ादी, ये आज़ादी दी थी कि यहाँ पे जलील होना पड़ा सऊदीया में, अच्छी आज़ादी है ना। ये रोटी किधर रखूँ, क्या हो जाना आज, क्या बन रहा है?
क्या बात है। ओए ओए ओए, बहुत गर्मी है यार, पर बहुत ज्यादा। ये कमर ना पसीने से भर गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है, लेकिन वो भी तो लोग हैं जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, धूप पे काम करते हैं। अल्लाह उनके अच्छे नसीब करे, अल्लाह उनको हिम्मत दे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, जलील होते हैं और घर वालों के लिए पैसा कमाते हैं। तो ये मुल्क था हमारा, जो पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 में, और हुक्मरानों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जितने भी थे सब ने अपना अपना हिस्सा लिया और निकल गए। बाकी अवाम वैसे खुश है शुगल मेले पे, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। खैर, ये छोटी सी वीडियो थी, तो आपको अच्छी लगी होगी। अभी खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर काम पे, और ऐसे ही साल गुजर जाएगा और 2 साल गुजर जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और 14 अगस्त इंजॉय करें।